सेंटर ड्यूज कॉलेज में बुधवार को मेरी क्रिसमस समारोह कार्यक्रम का आयोजन जुबली हॉल में किया गया। सेंटर ड्यूज कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर एन सैमुअल ने बताया कि जिस नाटक प्रेम का संदेश प्रस्तुत किया गया वह लोगों में बढ़ रहे क्रोध और आवेश को कम कर सकता है। आज जहां लोग क्रोध और आवेश में आपसी प्रेम और सौहार्द को समाप्त कर ले रहे हैं, ऐसे समय में प्रेम का संदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा, हमरो तक कई देत उद्धार हे ईशु राजा। प्रभु ईशु का जन्म इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसी घटना ने इतिहास को दो भागों में बांट दिया, ईशा पूर्व एवं ईशा के बाद। हमारी तारीख प्रभु ईशु के जन्म को प्रमाणित करती है। प्रभु ईशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को प्रेम एवं भाईचारे के साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मेरी क्रिसमस में छात्रों द्वारा 8 सामूहिक गीत प्रस्तुत किए गए। प्रतिभाग में करीब 75 बच्चों ने भाग लिया और पूरे हॉल में करीब 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस अवसर पर नियंता मंडल के सदस्य डॉक्टर सी पी गुप्ता, डॉक्टर सुशील कुमार राय, डॉक्टर जेवियर मारिया राज, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम, डॉक्टर जिलाजीत चौधरी, डॉक्टर विकास सरकार तथा कॉलेज के सभी शिक्षक कर्मचारी एवं अधिक संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद रहे। इस वाटिका के पेड़ के फल हम खा सकते हैं, केवल वाटिका के बीच का जो पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे। तुम निश्चय ना मरोगे, वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस तथा बुद्धि देने के योग्य है, तो उसने उस फल को तोड़कर खा लिया और उसने वह फल अपने पति को भी खिलाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण ईश्वर के स्वरूप को उन्होंने खो दिया और वह परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। तब और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये क्यों कर लूंगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।